मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टंकी। कतर की जेल में बंद 8 पूर्व नौसेना के अधिकारियों को अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। शरद पवार गुट के पूर्व मंत्री व विधायक जितेंद्र वाड ने कहा है कि जिन 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को मौत की सजा कतर में मिली है उनको बचाना चाहिए। जितने भी हमने दुनिया भर में संबंध बनाए हैं उसका इस्तेमाल कर 8 जानों को बचाना ज़रूरी है। अगर हम नहीं बचा पाए तो भारत के लिए ये अपमानजनक है। आपको बता दें कि 8 पूर्व नौसेना के अधिकारियों को 1 साल पहले गिरफ्तार किया गया था। इन पर इसराइल के लिए जासूसी करने का इल्ज़ाम लगाया गया था और 26 अक्टूबर 2023 को कतर की अदालत ने इन्हें मौत की सज़ा सुनाई है। एनसीपी के पूर्व मंत्री व विधायक जितेंद्र भाट ने इस मामले को लेकर क्या बयान दिया है आपको सुनाते हैं। कतर में स्पाई मॉड्यूल में भारत के निवृत्त 8 अधिकारियों को पकड़ा गया है और वो कतर ने साबित कर दिया है कि वो स्पाइंग करते थे इजराइल के। इजराइल की जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिमा है स्पाइंग में, उन्होंने कई बार ये प्रूव करके दिया है कि उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। जब एक युगांडा में उनका विमान का अपहरण हुआ था तब इदी अमीन के जैसा आदमी उन्होंने खड़ा किया था एंटेबे पे, जिस एयरपोर्ट पे वो खड़ा था विमान, और सभी लोगों को गुमराह करके उन्होंने वो एरोप्लेन वहां से लेकर तेल अवीव लाया था, तेल अवीव जो उनका कैपिटल है। तो उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है। अब उनको भारतीय लोगों की गरज क्यों पड़ी ये मुझे मालूम नहीं, क्योंकि ये तो कतार की न्यूज बाहर आई इसलिए पता चला, वरना भारत लोग भारतीय लोगों को पता ही नहीं था कि कतार में चल क्या रहा। अब जितने हमारे संबंध हमने बनाए हैं दुनिया में उसका इस्तेमाल करके ये 8 जान बचानी चाहिए। आठ जाने जाना ये भारत के लिए अपमानास्पद है।